राम राम जी। सारे ने मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आज मैं आपको बहुत ही सुंदर सा स्लीव डिजाइन दिखाऊंगी, बहुत ही कम टाइम में बनने वाला, तो ज्यादा समय ना लेते हुए चलिए करते वीडियो स्टार्ट। तो ये मेरे पास देखिए, ये मैंने पेपर से स्लीव का पैनल कट किया है कुछ इस तरह से। जितनी भी आपकी चौड़ाई और लंबाई है उस हिसाब से आप पैनल को कट कर ले। और डिजाइन बनाने के लिए मैंने ये कपड़ा लिया है इस तरह से। ये देखिए, मैं आपको एक स्लीव बना के दिखाऊंगी, इस तरह से आप दोनों स्लीव बना लें। तो पहले हम सिंपली जैसे स्लीव को कटिंग करते हैं वैसे ही स्लीव को कटिंग कर लें। कटिंग करने के बाद ऊपर की तरफ से जहाँ से हम कंधे को ज्वाइंट करते हैं वहाँ से 1 इंच का निशान लगाएं इस तरह से। निशान लगाने के बाद और यहाँ सेंटर से इसको कट कर देंगे। तो इस तरह से ये देखिए, मैंने यहाँ से कट कर दिया है। कटिंग करने के बाद अब इसको सेट कैसे करना है ये देखिए। तो ये देखिए, ये मैंने बाजू को जो कंधे की साइड ज्वाइंट होएगा ये वाला पार्ट है, और जो मोरी पे आएगा तो वो ये वाला पार्ट है। मैंने यहाँ से कट किया था इतना। तो इसको इस तरह से ओपन कर लेंगे और यहाँ से हम देखिए इस तरह से मिलाएंगे ऐसे, और यहाँ से भी इसको ऐसे मिला लेंगे इस तरह से। मिलाने के बाद यहाँ पे निशान लगाएंगे और इसके बिल्कुल इस तरह से इसके पास से ही इसको कट कर लेंगे इस तरह ऐसे निशान लगा लेंगे, और इसके यहाँ से इस तरह से इसको कटिंग कर लेंगे। तो स्लीव को उठाने के बाद कुछ इस तरह से लुक आएगी, तो यहाँ से इसको कट कर लेंगे। इस साइड से भी ऐसे ही कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए, ये मैंने कटिंग कर ली है कुछ इस तरह से। कटिंग करने के बाद अब इसकी सिलाई कैसे करनी है तो चलिए मैं आपको मशीन पे दिखाऊंगी। तो ये देखिए, यहाँ पे ये मैंने इस तरह से डिजाइन बनाने के लिए कट किया था। तो पहले हम बाजू को इस तरह से फोल्ड कर लेंगे उल्टी तरफ से। ये मैंने उल्टी तरफ से फोल्ड किया है, और यहाँ से ये मैंने चौक का निशान लगाया है। तो यहाँ तक हम इस पर सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ से इस तरह से करेंगे। हमें सिलाई को यहाँ से लगाते हुए यहाँ पे उतारना नहीं है, सिर्फ यहीं पे पक्का करना है। तो ये देखिए, ये मैंने यहाँ पे सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद इसको सीधी तरफ पलट लेंगे। तो मैं इसको पलट लेती हूँ। ये देखिए, ये मैंने पलट लिया है। तो ये देखिए, ये पलटने के बाद कुछ इस तरह से नजर आएगी। तो जो स्लीव की शेप थी वो है ये आर्मोल वाली, और ये यहाँ पे हमारी मोहरी तैयार होएगी जहाँ पे मैंने कुछ इस तरह से बनाया है। तो इसका डिजाइन कैसे बनेगा ये देखिए, हम इसको इस तरह से अंदर की तरफ लेके जाएंगे इस तरह से। ये देखिए, जैसे हम पलटते हैं इसको सीधी तरफ को, ऐसे ही उल्टी तरफ को, फिर उल्टी तरफ को निकालना नहीं है ये, इसको हमें यहीं पर ही इस तरह से ऐसे रखना है। ये देखिए, ये कुछ इस तरह से ऐसे फूल बन के नज़र आएगा। और इसके अंदर आप जैसे कि स्टोन वगैरह कुछ भी लगा सकते हो, तो कुछ इस तरह से लुक आएगी। मैं आपको सिर्फ वैसे दिखाऊंगी, तो आप ऐसे ही लगा लें। तो ये देखिए, मेरे पास दो तरह के, मेरे पास ये देखिए कुछ इस तरह के दो कलर के मोती हैं। तो मैं आपको ऐसे ऊपर से इसको सेट करके दिखाऊंगी कि किस तरह से स्लीव की लुक आएगी लगाने के बाद। तो आप यहाँ से भी लगा सकते हो ऊपर की तरफ से। तो नीचे की तरफ मैं इसमें लेस लगाऊंगी, तो आप अपनी पसंद से पट्टी वगैरह या लेस वगैरह, पाइपिंग कुछ भी लगा सकते हो। तो मैं आपको वैसे रख के दिखाती हूँ कि कैसी
स्लीव नज़र आएगी। तो आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ में बेल आइकन को भी दबाएं ताकि मेरी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।